आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझते हैं। ये किस चैप्टर का है? क्लास टेंथ ट्रायंगल चैप्टर का। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ इन फिगर ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सच दैट ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये गिवन है, बहुत खूबसूरत रिजल्ट। देन ट्रायंगल्स ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ डी बी आर, ओ ए सी ओ डी बी, इस ट्रायंगल के बारे में आप, आपके पास फोर ऑप्शन है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इक्विलेटरल बट नॉट सिमिलर, ऑप्शन बी आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, ऑप्शन सी इक्विलेटरल एंड सिमिलर, ऑप्शन डी आइसोसेलेस एंड सिमिलर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और इसको आप समझिए। मैं आपको लेके चलूँगा क्लास नाइन्थ में, जो आप क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके होंगे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या मैं बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आप देखिए इस आर्क के करस्पॉन्डिंग जो एंगल यहाँ पे बन रहा है और इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? यस, बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही आर्क के करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों सेम हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस आर्क के करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे और इस आर्क के करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे, यानी वही कॉन्सेप्ट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि ओ ए सी ट्रायंगल ओ डी बी बोथ आर सिमिलर, एक आंसर आपको मिल गया कि ये दोनों सिमिलर हैं। अब एक और यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा एक कॉन्सेप्ट, कि अगर ये सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में इस एंगल का अपोजिट साइड है ओसी, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड होगा ओडी, ओ सॉरी ओबी, ठीक। तो ये दोनों कैसे होंगे? सेम रेशियो में। फिर यहाँ पे देखिए, इस एंगल का अपोजिट साइड ओए और ये एंगल इसके इक्वल तो इसका अपोजिट ओडी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? ओए इंटू ओबी इज इक्वल टू ओसी इंटू ओडी। ये समझिए, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ही काम आने वाला, ये ज़बरदस्त रिजल्ट है, ठीक है, कि अगर सर्कल में टू कार्ड्स इंटरसेक्ट, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? उनके सेगमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों इक्वल होंगे, जैसे ए बी कार्ड एंड सी डी कार्ड बोथ आर इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। तो ओ ए इंटू ओ बी
इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ये रिजल्ट है। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओ बी इक्वल टू ओ डी, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिला, ओ ए इक्वल टू ओ सी। इसको तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन में मैंने कंटिन्यू कर दिया, ये वाला इसी रिजल्ट में मैंने ये कंटिन्यू कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपको मिला। इसका मतलब कि ये भी दोनों आपस में इक्वल है, तो ये ट्रायंगल्स कैसा हो गया, आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस। और ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर। तो क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, तो ये था कि इफ टू कार्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल। अब एक और कॉन्सेप्ट इसी के साथ देखिए कि अगर आपका कार्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे, एक्सटर्नली, तो क्या रिजल्ट होगा। इसको आप सर्कल सपोज कर लीजिए कि ये सर्कल है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो भी आप सपोज कर लीजिए कि ये सर्कल है। अब देखिए ये कॉर्ड है, इसका नेम कर दीजिए ए बी, और ये आपका सी डी कर दीजिए, ये सी डी, और दोनों जो कार्ड्स हैं वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पी पॉइंट सपोज करिए, तो क्या रिलेशन होगा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इसको थोड़ा डार्क में ज्वाइन करता हूँ ताकि आपको दिखे। फिर वही कॉन्सेप्ट, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, इस आर्क के करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे है और इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब आपके पास कितने ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ उसको आप कंसीडर करें, ए डी पी, ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल सी बी पी, सी बी और पी। अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, ए डी पी को, इस ट्रायंगल को देखेंगे तो यहाँ पे ये एंगल आता है, और जब आप इस ट्रायंगल में देखेंगे सी बी पी में तो भी ये एंगल आ रहा है, मतलब ये एंगल कॉमन हो गया। यस, ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, और ये एंगल्स इसके इक्वल, इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको मैं वन कर देता हूँ, इसको टू कर देता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और एंगल पी इज कॉमन, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, तो सो ट्रायंगल ए डी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी पी, और अगर ये सिमिलर हो गया तो इनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब कि ये जो एंगल्स होगा, इस ये एंगल्स
ये जो एंगल्स होगा वो इसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो बन रहा है, ठीक। तो आइए जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है उसको लिखा जाए। इस एंगल का अपोजिट साइड वन का डी पी वन, और ये एंगल इसके इक्वल तो इसका अपोजिट साइड बी पी। अब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो इसका अपोजिट साइड ए पी, और ये एंगल्स किसके इक्वल, इसके इक्वल तो इसका अपोजिट सी पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू पी सी और इंटू पी डी। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं पी बी, इसको मैं पी बी लिख सकता हूं, इसको मैं पी ए लिख सकता हूं, और ये तो ठीक लिखा हुआ है, ये पी डी और इंटू पी सी। अब आप इसको देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पी बी और इंटू पी ए इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। ये बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो अगर सर्कल के टू कार्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट होगा वो आपने पहले देखा, और अगर सर्कल के टू कार्ड्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट होगा ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये दोनों रिजल्ट आप ठीक से समझिए, अंडरस्टैंड करिए, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस आता है या कहीं पर भी ये रिजल्ट यूज़ करने का चांस मिलता है तो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करिए। थैंक यू सो मच।